देखिए सरकार का शुरू से कहना है सबका साथ सबका विश्वास और सबका साथ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जिस तरह से अति और विकास दुबे जैसे माफियाओं का अंत किया है योगी मोदी सरकार ने और जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, इससे मुसलमानों में विश्वास बढ़ा है। आज आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, नहीं पूरे देश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ये निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराई है। ये जन जन का विश्वास है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का भरपूर समर्थन मिला है। आप देख रहे हैं हम सारे नगर निगम जीत रहे हैं और निकाय चुनाव में हमारे पार्षद बहुत संख्या में जीत रहे हैं। दिनेश भार्गव। दिनेश जी क्या कहेंगे, योगी मोदी का जादू चला गया इस बार निकाय चुनाव पर? उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, शहर के शिक्षित मुसलमान ने सर्वाधिक वोट भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण रूप से आस्था दिखाई है। योगी जी द्वारा किए गए विकास कार्यों से प्रभावित होकर शिक्षित मुसलमान ने जो तालीम प्राप्त है, जो कि मेधावी छात्र रहे हैं, युवा वोट ने भरपूर मात्रा में सहयोग दिया, जिसका उदाहरण आगरा की कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भारी बहुमत से भाजपा के प्रत्याशियों की विजयी हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षित तालीम मुस्लिम ने का वर्ग योगी राज में जुड़ रहा है, यह बहुत हर्ष का विषय है। एक बार नाम बताइए। राहुल वैद्य, मंडल। क्या कहेंगे आप, ये बताइए कि योगी मोदी का जादू चला है नगर निगम चुनाव में? उत्तर प्रदेश के अंदर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी का आपको हमेशा मालूम है, उनका हमेशा चुनाव का जादू चलता है। आपने 2022 इससे पहले एक साल पहले जैसे हमने 325 सीटें जीती, इसी तहत आगरा नगर निगम के हमने ट्रिपल इंजन सरकार बनाने जा रहे हैं और हम वार्ड 39 से नामदेड़ से भी हमारे प्रत्याशी श्री एम एस संतोष जी भी भारी मतों से विजय बने हैं और लगभग भाजपा की सीटें बहुत हम जीत रहे हैं, 100 में से लगभग हम मुसलमान भी इस बार साथ मिला है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम किया और मुसलमान वोट हमने ये योजना के अंतर्गत सभी को हमने योजना पूरे हमने ये नहीं देखा कौन मुसलमान है कौन जाट कौन कौन सी जात का है कौन से धर्म का है, हमने कुछ नहीं देखा। हमने सिर्फ उस वर्ग को दिया जो गरीब है असहाय और जो लोग हैं उन लोगों को हमने दिया, मुसलमानों ने ही वोट हमें भाजपा को दिया है। मेरा नाम मेघरा सोलंकी है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी। नाम बताइए। मेरा नाम मेघरा सोलंकी है। मेघरा जी क्या कहेंगे नगर पंचायत के जो चुनाव देखने को मिले हैं? नगर पंचायत क्या कहेंगे, योगी मोदी जी का जादू चला है? हाँ, नगर पंचायत नगर पालिका नगर निगम में योगी मोदी जी का जादू चला है और सबका साथ सबका विकास उसके लेकर के हमें अल्पसंख्यक वोट भी बहुत बहुत बहुतायत में मिला है इस बार और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 17 सीटों में से हम लोग ज़्यादातर सीटों पर मतलब अपना जो लगातार कब्जा है वो हम पा रहे हैं और हमें पहले से अधिकतर अधिक वोट मिला है, मतलब परसेंट वोट हमें अधिक मिला है पहले से अधिक। खुशी है इस बात के बरकरार है, जादू बरकरार है, योगी जी के बाद जादू बरकरार है, बाबा की सरकार पूरी तरह सफल मानी जा रही है। एक बार नाम बताइए। मेरा नाम अनिल शर्मा है। और क्या कहेंगे, जिस तरीके से एक बार फिर से दिखा दिया कि योगी जी का चेहरा बोलता है, मोदी जी का चेहरा बोलता है? नहीं, बिल्कुल माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा ने जो काम किया है वो बहुत ही मतलब सराहनीय है और मतलब आगे मतलब जितनी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही है, ये नहीं कि अपने मतलब नगर पंचायत के अध्यक्षों की भी सदस्यों की भी काफ़ी तादाद में सदस्य भी चुनाव जीत के जा रहे हैं, बिल्कुल कमल ही कमल खिला हुआ है चारों तरफ। मुसलमानों का साथ मिला है बहुत ज़्यादा, हमारी खीरागढ़ नगर पंचायत में आप देखिए तो मुसलमान ने खुल के साथ दिया है, शायद मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से खुल के कहीं भी दिया होगा, जुलूस में कहीं भी ले लो खुल के मतलब नगर पंचायत खीरागढ़ में तो इतना साथ दिया है जिसकी मतलब सारी चरम सीमाएं पार कर दी है। आज की तारीख में तो ऐसे ही लग रहा है।